أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त मज़ार-ए-क़ायद कराची पर मौजूद हैं। यहां पहुंचने पर उनको सलामी पेश की गई और मज़ार-ए-क़ायद पर हाजिरी देने के बाद उन्होंने फातिहा खानी की, जिसमें बरसगीर के अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस वक्त मेहमानों की किताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभालने के बाद आज पहली बार कराची के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने मज़ार-ए-क़ायद पर हाजिरी दी है, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए हैं। आपको बताते चलें कि फातिहा खानी की गई है मज़ार-ए-क़ायद पर, इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। नुमाइंदा पीटीवी न्यूज नवीद अज़र ने ज्वाइन किया। नवीद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे हैं और वज़ारत-ए-उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद पहली बार वो कराची गए हैं, उनकी दिन भर की क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, उनका कराची का ओहदा संभालने के बाद ये पहला दौरा है और उन्होंने इस दौरे के पहले जो इवेंट है वो मज़ार-ए-क़ायद की उनकी हाजिरी है और उन्होंने बरसगीर के अजीम जो लीडर हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके मज़ार पे हाजिरी दी और फातिहा खानी की। उसके बाद अब वो मेहमानों की जो किताब है उसमें अपने तासरात कलमबंद कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि वो कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से फुरज हैं और उनका उनके ये तासरात भी जब वो यहाँ तशरीफ ला रहे थे तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे कि अज़्म उनके चेहरे से झलक रहा था कि वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था और कायदे आज़म उसके हवाले से जो सोच के उन्होंने ये रियासत तश्कील दी थी वो उसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं और इस वक्त हम देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे एक खुशी है और वो उस अज़्म को जिसका इजहार वो करते रहे हैं अपनी पूरी इंतखाबी कैंपेन में और जो वो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बना के हम इसको कौमों की बरादरी में सबसे आगे लेके चलेंगे, तो वो उस अज़्म के इजहार के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं और वो अपनी टीम को भरपूर तरीके से बेहतरी की तरफ, जैसा हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों में उन्होंने सबसे पहले जिस मुहिम का आगाज किया वो कफायत शारी की और उसके ऊपर आपको पता है कि पिछले दो दिन भरपूर तरीके से वजीर आजम हाउस के अखराजात को कम करने के हवाले से वहां जैसे कल होने जा रहा है कि वो जो कीमती गाड़ियां हैं उसको बेचा जा रहा है और पाकिस्तान के पैसे जो हैं वो बचाए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर उनके जो अजाइम हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक ना सिर्फ ये कि अखराजात में कमी कर रहे हैं बल्कि बेहतरी के तमाम जो रस्ते हैं वो तलाश किए जा रहे हैं और वो कायद के पाकिस्तान को अमली शक्ल में वो देखना चाहते हैं। अच्छा नवीद, कायद के विजन और फरमुदात की रोशनी में मौजूदा हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान खास से एक्टिव नजर आ रहे हैं, पुरअज़्म हैं और इस सिलसिले में अमली तौर पर इकदाम भी करें जिसको न सिर्फ कौमी बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी भरपूर सराहा जा रहा है। खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के मंजिल के हुसूल के हवाले से ये इकदाम किस अहमियत के हामिल हैं? जी बिल्कुल मनाजर, पाकिस्तान जो है वो इन अखराजात का मुकम्मल नहीं था जो माजी की हुकूमतों की तरफ से किए जाते थे। उन्होंने पाकिस्तान के उन इकदाम से काम का आगाज किया है जिनकी वाकई इस मुल्क को अशद जरूरत थी और पाकिस्तान को जरूरत इस बात की थी कि ऐसे कायद चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इब्तदाई अयाम में जब पाकिस्तान तश्कील पाया तो उन्होंने अपने जाती जो अपनी जात है उसके ऊपर एक रुपया भी जो है वो खर्च करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने हमें गाइडलाइन दी, मगर हम वो उस वक्त के बाद वो सारे सबक जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिए थे वो भुला बैठे और हमने सरकारी जो
کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کی تربت پر پہنچے ہیں. انہوں نے یہاں پر حاضری دی ہے اور فاتح خانی کی ہے, پھولوں کی چادر چڑھائی ہے. اور اسی طرح سے پاکستان کے تحریک پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو اس سے تحریک کے عظیم جو رہنما ہیں اور انہوں نے پاکستان کے قیام کے حوالے سے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بحثیت پہلے وزیر اعظم انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اور وزیر اعظم عمران خان کا ان کے مزار پر جانا یقینی طور پر ان اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنانے کے لیے عملی طور پر نظر آ رہے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مزار پر اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے حاضری دی ہے, پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی. ان کے ہمراہ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. یہ مناظر آپ سے شیئر کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پر. وزیر اعظم پاکستان کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد آج کراچی کا پہلی بار وہ دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی, پھولوں کی چادر چڑھائی, فاتح خانی کی اور اس کے بعد مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے مزار پر حاضری دی اور وہاں پر بھی فاتح خانی کی, پھولوں کی چادر چڑھائی. اور ابھی آپ کو جو مناظر دکھا رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح کے مزار پر انہوں نے حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. وزیر اعظم عمران خان مزار قائد کراچی پر موجود.